तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार का वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, जो कि दोस्तों अभी आपने प्रीव्यू देखा है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बहुत ही कमाल की वीडियो को हिंदी सॉन्ग के साथ क्रिएट किया है। आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सूरज भाई हिंदी टॉपिक पे वीडियो लेकर के आओ, तो फाइनली दोस्तों मैं लेकर के आ चुका हूँ। और दोस्तों वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आई है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट एक लाइक दे करके जरूर दिखाइएगा। और दोस्तों आज किस वीडियो को बनाना उतना ही आसान है जितना आसान आपने प्रीव्यू को देखा है। सो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है दोस्तों अलाइट इमोशन। ये आपको प्ले स्टोर में जाकर बहुत आसानी से, अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने देख के रखा है, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। एंड दोस्तों तो इसमें जितने मैं प्रीसेट यूज़ करने वाला हूँ उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे मटेरियल्स डाउनलोड करने में या फिर इसे इंपोर्ट करने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है, तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड दोस्तों वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है, एंड जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीसेट दूंगा उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपके सीधे अलाइट मोशन में यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, सेकी फिट और स्ट्रॉन्ग बीट मार्क। तो जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा सभी स्टेप को आपको फॉलो करते जाना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो आपका बीट मार्क दिखाई देगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से, इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको बैक कर लेना है। सबसे पहला प्रोसेस आपका जो सेकी इफेक्ट है इसमें आपको चले जाना है, और कैसे जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 लेयर है, सॉरी यहाँ पर जो 5 लेयर है, इस पांचों लेयर को आपको कॉपी कर लेना है कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने किया है, और लेयर पे जाना है, कॉपी 5 लेयर कर देना है। ठीक है, और आपका जो बीट मार प्रोजेक्ट है इसको आपको ओपन कर लेना है। लेयर पे जाने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आपको कुछ अपने फोटोज़ को ऐड करने हैं, उससे पहले यहाँ पर आपको हाइड दिख रहा है तो इसको आपको इनेबल करना है, इसका आइस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका जो आइस है इसको यहाँ पर हम इनेबल कर लेते हैं। एंड दोस्तों इनेबल करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस बन के इस प्रकार का इंटरफेस बन के आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आपको अपने फोटोज़ को ऐड करने हैं, तो फोटो ऐड करने सिंपली इस पर क्लिक करना है, कलर फी पे जाना है, स्टाइल आइकन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर जो फोटो अच्छा लगता है वो फोटो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से फोटो बनाया हूँ, तो मैं इस फोटो को यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस जो पहला फोटो मैं यहाँ पर लगाऊंगा कुछ इस प्रकार से, ये फोटो है इसके बैकग्राउंड में जो कि लगेगा ये वाला, और यहाँ पर इस ग्रुप पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है, और आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएंगे। तो यहाँ पर जो आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहे हैं सिर्फ नीचे वाला जो ब्लैक पार्ट है यहाँ पर आपको फोटो ऐड करना है, तो मैं फटाफट फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो गाइस हमने इस ग्रुप के अंदर फोटोज़ वगैरह ऐड कर दिया है, कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो उसके पहले आपको क्या करना है, नीचे वाले पे क्लिक करना है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको फोटो ऐड करना है जो भी आपको इसमें अच्छा लगता है। तो मैंने इस प्रकार की फोटो यहाँ पर ऐड कर दी इसके बैकग्राउंड में जो कि ब्लर वगैरह रहेगा। ठीक है, अभी कैसे आपको स्क्रॉल करके आगे जाना जो कि आपका नेक्स्ट बीट है। सबसे पहले गाइस पैक करेंगे और अपने सेक इफेक्ट में चले जाएंगे, और गाइस यहाँ पर आपको जो पहला प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है सिंपली हम क्लिक करके आगे वाले पे जाएंगे, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस आगे वाले प्रोजेक्ट को कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको 5 लेयर दिखाई दे रहा है, तो पांचों लेयर को कॉपी करना है, और यहाँ पर हम कॉपी 5 लेयर कर लेते हैं। ठीक है, और आपका जो बीट मार प्रोजेक्ट है इसको आपको ओपन कर देना है, और जो आपका नेक्स्ट बीट है इस पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। इसके अंदर फोटोज़ को ऐड करना है, सिंपली चारों लेयर पर आपको फोटो को ऐड करना है, तो किस पर क्लिक करेंगे, कलर पर जाएंगे, स्टाइल आइकन पर क्लिक कर देंगे, सेकंड जो भी आपको फोटो अच्छा लगता है वो आप इसमें चूज़ करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 4 फोटो यहाँ पर लगेगा, बहुत ईजी है। ठीक है, मैंने इस प्रकार से 4 फोटो यहाँ पर ऐड कर दिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सो गाइस इस प्रकार से ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे जाना। ठीक है, आगे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के बीट आएंगे, तो इसको आपको क्या करना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले गाइस पैक करना है, अपने सेक इफेक्ट में जाना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट के बाद ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो गाइस ये जो प्रोजेक्ट आपको जो नेक्स्ट बीट आपको दिखाई देगा यहाँ तक आपको कॉपी करना है, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे हम सभी को इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा बीट यहाँ तक ये कॉपी हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 7 तो की दिखाई दे रहे वाला लेयर, ये सभी लेयर आपको कॉपी करना है, कॉपी 7 लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, सबको बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर देना है, और आपका जो नेक्स्ट बीट है इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं।
सिंपली गाइस इस पर क्लिक करेंगे, कलर पे जाएंगे, स्टाइल आइकन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो भी आपको फोटो ऐड करना है वो फोटो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी आपको लेयर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फटाफट से फोटो को ऐड कर लेते हैं। ओके सो गाइस हमने कुछ इस प्रकार से फोटोज को ऐड कर दिया। और यहाँ पर आपको जो सर्कल वाला इफेक्ट देगा इसको आपको इनेबल करना है, जो कि ग्लो इफेक्ट के साथ आपको दिखाई दे रहा है, काफी इंटरेस्टिंग देखने में भी लग रहा है। अभी गाइस थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आपको आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और भी एनिमेशन ऐड करने हैं। सो गाइस पैक करेंगे और सेक इफेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इस आगे, ठीक है। अब आगे देखने को मिल जाएगा इस, मैंने ये लगा लिया और ये भी लगा लिया और ये भी लगा लिया है, ठीक है। तो गाइस आगे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, उन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट बीट है इसको भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी होगा आपको। कुछ इसमें बीट इसके अंदर बीट भी है जो कि इफेक्ट है वो अपने आप लगाना है, ठीक है। बैक करेंगे सेक इफेक्ट जो आपका बीट मार प्रोजेक्ट इसको ओपन करेंगे। अब जो आपका एंडिंग पॉइंट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, जो कि ये वाला पार्ट है, सिंपली हम लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर कैसे आपको क्या करना है, इफेक्ट को इनेबल करना है। तो यहाँ पर जो आइस दिख रहा है इसको हम इनेबल करेंगे और नीचे जो आपका पार्ट दिखा दे रहा है इस पर क्लिक करके, कलर पे क्लिक करके यहाँ पर फोटोज़ को हम ऐड करेंगे। तो मैंने फोटो को भी ऐड कर दिया, ये कुछ इस प्रकार से फोटो आपको दिखाई दे रहा है। अब कैसे आगे जाएंगे, ठीक है, आगे जाने के बाद यहाँ पर ये फोर लेयर दिखाई दे रहा है। फोर लेयर दिखने से पहले गाइस यहाँ पर पीछे आपको कुछ चक्र टाइप का देखने को मिल रहा था, उसको भी इनेबल करना है, ठीक है। तो उसको इनेबल कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आगे जाना है और सबसे पहले हम फोटो को ऐड करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, कलर पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी फोटो आपको अच्छा लगता है वो फोटो सबसे पहले आप चूज़ करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं फोटो। तो मैंने कुछ इस प्रकार से फोटोज़ को चूज़ किया अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी फोटो आपको अच्छा लगता है वो फोटो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गाइस कुछ इस प्रकार से चारों पर फोटो लगा दिया, ठीक है। अब गाइस इसके पीछे आप देखेंगे तो जो चक्कर टाइप का था उसको इनेबल करना है। तो जब आपका ये बीच वाला पार्ट है इसी में है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है लाइनर रिपीटेड, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। तो इसके जो पीछे आपको कलर दिखाई दे रहा है देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, तो इसको आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद जो आपका आगे वाला पार्ट है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। सो गाइस बैक करेंगे, आपका जो सेक इफेक्ट इसको हम ओपन करेंगे एंड गाइस हमने यहाँ तक ये लगा लिया, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट बीट है ये वाला पार्ट है, सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे वाले पार्ट को, सॉरी ऊपर वाले छोड़ देना है। ये तीन लेयर सेलेक्ट करना है, कॉपी थ्री लेयर कर लेना है, फिर आपको जो बीट मार प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लेना है एंड गाइस आपका जो एंडिंग पॉइंट है सिंपली यहाँ पर जाना है और लेयर पे क्लिक करके इसे यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से पेस्ट होगा। अब ऊपर वाला क्लिक करके यहाँ पर जो लाइट इफेक्ट इसको हम इनेबल करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर फोटो ऐड करके आप इसमें जो कि वीडियो को इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ इस प्रकार से बन के आगे यहाँ पर आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी गाइस आगे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस पर क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करके यहाँ पर जो फोटो आपको अच्छा लगता है वो फोटो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से फोटोज़ को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पर जो इसका आई सी यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे, सबसे ऊपर यहाँ पर ऊपर आ गया। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको भी सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ और भी एनिमेशन ऐड करना है जो कि ब्लर टाइप का है, तो सेक इफेक्ट में जाएंगे और जो ऊपर वाला पार्ट है इस पर हम क्लिक करेंगे, कॉपी लेयर कर लेंगे। जो बीट मार प्रोजेक्ट है यहाँ पर जाना है और लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये कुछ इस प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। अभी क्या इसको आपको एक्सपोर्ट करना है, तो क्या करना है आपको, बॉक्स पे क्लिक करके इसको आप बहुत आसान से एक्सपोर्ट भी कर